गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में निखिल शर्मा व्लॉग्स। तो जी आज है 16 नवंबर 2024 और अभी टाइम है सुबह के 11:12। और भाई वापस से निकल चुके हैं जी आपको अपडेट देने के लिए। मनाली में कैसा कुछ वेदर रहता है इन दिनों, 16 नवंबर को अगर आप आ रहे हैं या फिर 16 नवंबर के बाद अगर आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो कैसा कुछ वेदर रहता है जी आपको आज मैं बताने वाला हूँ। कितने टूरिस्ट मनाली घूमने के लिए आए हुए हैं और कैसा कुछ वेदर आज का रहने वाला है। फ़िलहाल तो अपने सामने देख सकते हैं जी बढ़िया धूप निकली हुई है और टेम्परेचर है इस टाइम लगभग 10-11 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मिनिमम टेम्परेचर आजकल मनाली में जाने लगा है भाई, रात को 12-1 बजे के बाद -1 डिग्री। तो जी एक अच्छी खबर ये है कि भाई माइनस में तो टेम्परेचर चलो जाना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में बस एक बारिश और एक स्नोफॉल की देरी है, उसके बाद तो आपको पता ही है मौसम में कैसे गिरावट देखने को मिलती है। बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है और स्नोफॉल शुरू हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो कहीं भी स्नोफॉल अभी है नहीं भाई। अगर आप देखेंगे रोहतांग पास, शिंकुला पास, बारालाचा पास, जिस्पा, कहीं भी आपको स्नोफॉल नहीं मिलेगा। स्नोफॉल का मतलब अच्छा स्नोफॉल होता है भाई, ये नहीं कि दो बूंदे स्नोफॉल की पड़ गई तो वो स्नोफॉल में काउंट करोगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा स्नोफॉल होता है और जिससे हैवी स्नोफॉल कहते हैं, जो बर्फ़ टिकने वाली होती है उसमें। फिर जैसा कि आपको पता है फ़िलहाल तो अभी है नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फ़िलहाल अगले हफ्ते 10 दिन तक कोई प्रिडिक्शन है नहीं, लेकिन आज थोड़े थोड़े बादल दिखाए हुए हैं अटल टनल के आसपास, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट दे दूं मैं आज का कैसा कुछ वेदर रहने वाला है। लो भाई काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं भाई, सामने आप देख सकते हो है 4 नंबर गाड़ी, दिल्ली नंबर गाड़ी, पंजाब, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, सारी स्टेट्स की यहाँ पे गाड़ियाँ आ चुकी हैं। इसका मतलब टूरिस्ट अब एकदम फुल पावर ऑन है भाई। और सोलांग वैली से कुछ डिस्टेंस पहले ही ना, ये देखो भाई तभी मैं कहता हूँ ना घर से थोड़ा आराम से खा के निकलो ताकि आपको वोमिटिंग ना हो, यही नतीजा होता है भाई अगर आप घर से हैवी खा के निकलोगे। कुछ कुछ लोग क्या होता है पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं पहाड़ों पे, ठीक है, तो उनको ये हो जाता है क्योंकि घुमावदार मोड़ होते हैं ना, तो गाड़ी घूमती है तो ऑटोमेटिकली आपके पेट के अंदर सारा सिस्टम घूमेगा तो फिर वो वॉमिटिंग हो जाती है। तभी मैं कहता हूँ भाई जब भी आओ थोड़ा लाइट खा के आओ, चाय ले लो आप या फिर बिस्किट्स ले सकते हैं आप या फिर एक दो बटर टोस्ट ले सकते हैं। अगर हैवी खा के आओगे भाई, अगर आपको आदत नहीं है पहाड़ों पे घूमने की, तो ऐसा ही कुछ होगा भाई आपको साथ। और ये सामने पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा खड़े रहते हैं, तो आप मोबाइल वगैरह ना चलाएं भाई। और अभी पीछे भी देख रहा था मैं, मोड़ पे चलान हो रहे थे, पुलिस वाले कर रहे थे लोगों के, क्योंकि भाई आपको पता ही है ड्रिंक एंड ड्राइव का कितना बड़ा फाइन लगता है, जुर्माना लगता है, तो बहुत लोग करते भी हैं, करना तो नहीं चाहिए भाई, अब क्या बोल सकते हैं किसी को। और थोड़ा सा ट्रैफिक लग चुका है भाई। और जब भी आप निकलें अगर आप घूमने के लिए रोहतांग पास जा रहे हैं या शिंकुला बारालाचा जा रहे हैं या फिर कहीं भी, तो आप थोड़ा टाइम से ही घर से निकल जाएं 8 बजे तक, ताकि आपको अगर रिटर्न भी करना है वापस मनाली तो आप टाइम से कर लें, देरी ना हो आपको। अगर आप लेट निकलोगे, मुझे तो क्या है, मुझे तो अटल टनल से वापस आना है, ठीक है जी। हम तो लोकल हैं, हम तो घर में यहीं पर रहते हैं, तो जिनको वापस कहीं रिटर्न करना होता है वापसी में, तो वो थोड़ा यही है कि थोड़ा जल्दी निकलें आप। और ताकि आप जल्दी भी वापस आ पाएंगे वापस, अगर आपको आगे ही निकलना है लद्दाख वगैरह कहीं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है। अगर आपको आगे ही निकलना है तो फिर तो आप कभी भी निकल सकते हैं क्योंकि आपको आगे कहीं स्टे वगैरह होगा, लेकिन यहाँ से मैं हमेशा यही आपको रिकमेंड करूँगा कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो जिस्पा में आप स्टे ले सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टे के ऑप्शंस होते हैं जी।
और जी यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जिप लाइन के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। 300 रुपये में कराते हैं जिप लाइन आना जाना, मतलब दोनों साइड का। यहाँ से भेजेंगे, फिर वहाँ पे आपको एक बंदा रिसीव करेगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, वहाँ पे वापस से मतलब 300 रुपये में आना जाना होता है। तो ये भी एक्टिविटी है, पहली बार एक्सपीरियंस कर सकते हो, और इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। मैंने भी 2-3 बार की हुई है ईजिली। आपको बस ये है कि अगर आप इतने दूर से भाई कहीं आ रहे हो तो एडवेंचर हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको थोड़े अच्छे लेवल का एडवेंचर करना है तो भाई आप अपना कुल्लू में, या फिर अगर आप सोलांग वैली आ रहे हैं तो सोलांग वैली की साइड, आपको सोलांग वैली में ही इनफैक्ट आपको अपना पैराग्लाइडिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। पैराग्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है भाई, मैंने एक बार की थी और मैं अभी कुछ टाइम के बाद वापस भी पैराग्लाइडिंग करने वाला हूँ। तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो शूट करके दिखाऊंगा कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और आप बताइए भाई, आप में से कितने लोगों ने पैराग्लाइडिंग की हुई है और कितने लोग मनाली ट्रैवल कर चुके हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और भाई वीडियो को आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो यार, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप लोग सपोर्ट करते हो इतने तो मुझे भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए कंटेंट डेली बेसिस पे बनाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ भाई मैक्सिमम आपके लिए हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो आ जाए, ताकि मेरी वीडियो देख के मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल भी करते हैं, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं भाई अपना कीमती समय निकाल के, उसके लिए थैंक यू। और बाकी यहाँ पे आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। और भाई होटल की बात कर लेते हैं, कॉटेज की बात कर लेते हैं, और मनाली आने के बाद आपको कॉटेज की रिक्वायरमेंट अगर है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो कॉटेज बुकिंग के लिए। अगर आप नवंबर में आ रहे हैं, आज तो खैर 16 नवंबर है, नवंबर में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, फेब में आ रहे हैं, कभी भी अगर आप आ रहे हैं अगले 2-2.5 महीने में, तो आप बुकिंग के लिए कॉल कर सकते हो भाई कॉटेज बुकिंग के लिए। उससे फ़ायदा ये होगा, जितना ज़्यादा आप एडवांस में कराओगे उतना ज़्यादा आपके रूम जो है रिज़र्व हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको रेट भी अच्छा लग जाएगा। अगर आप दिसंबर के, अगर आप अभी बुकिंग कराओगे 15 दिसंबर की बात की, तो आपको अच्छा मिल जाएगा। तो भाई इस जगह तो हमेशा जाम थोड़ा बहुत लगता ही है अगर आप थोड़ा सा लेट निकलोगे, क्योंकि आगे रोड बना रहे हैं, नैरो रोड है, तो एक बारी में एक ही गाड़ी निकलेगी, या तो यहाँ से जाएगी या तो वहाँ से आएगी। और अगर आपको रोहतांग के लेटेस्ट अपडेट जानने हैं तो भाई मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट वीडियो मैंने मॉल रोड की बनाई थी, मॉल रोड का कैसा कुछ आजकल टूरिस्ट हैं, और जो कि 15 नवंबर कल की थी, और 14 नवंबर की मैंने मनाली से मैं रोहतांग गया था, आप उसकी भी वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो को भी आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, अब उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको आजकल रोहतांग की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जी। अब वहाँ पर कितना को टेम्परेचर रहता है, कैसा कुछ वहाँ पर हिसाब किताब रहता है। तो लो भाई थोड़ा सा तो जाम खुल गया है यहाँ पे, आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, ये देखो ना लेफ्ट साइड में लोग लगे हुए हैं भाई काम पे। ये हमारे लिए लगे हुए हैं भाई, ताकि रोड और अच्छी हो जाए, ताकि और यहाँ पे ट्रैफिक कम से कम लगे। ये आप देखो कंस्ट्रक्शन बीच बीच में कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है। लो जी पलचान पहुंच गए हम, यहाँ से राइट को रास्ता जाता है रोहतांग पास की तरफ वाया गुलाबा होते हुए, और सीधा सीधा आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, सीधा सीधा जाता है वाया अटल टनल होते हुए। सोलांग पहुंचने से पहले इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है, लगभग 10 मिनट से इसी रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं। इसका मतलब यही है भाई कि सोलांग में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है। यहाँ से ज़्यादा नहीं, लगभग आधा किलोमीटर रह गया सोलांग, आधा किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं है। सोलांग पहुँचते ही आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, मैगी ब्रेड आप ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, परांठे वगैरह। तो जी भाई पहुँच चुके हैं सोलांग वैली, लगभग 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो सोलांग वैली का कुछ मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे कितने टूरिस्ट हैं, मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो ऊपर गंडोला राइड चल रही है, ये प्रॉपर ऊपर तक जाती है, और अभी यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अब देखो यहाँ पे टूरिस्ट चाय वगैरह पी रहे हैं भाई, यहाँ पे आपको चाय मैगी के ठेले मिल जाएंगे छोटे छोटे, और कितने टूरिस्ट हैं भाई। बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, आपको पता ही है स्नोफॉल की, जिस दिन यहाँ पे स्नोफॉल हो गया ना, आपको पता है यहाँ पे जो टूरिस्ट है ना
इतने बढ़ जाएंगे कि एक ही दिन में टूरिस्ट बस वेट कर रहे हैं भाई स्नोफॉल हो स्नोफॉल। मेरे पास कितने कॉल्स आते हैं, सब पूछते हैं भाई स्नोफॉल कब होगा स्नोफॉल। यार देखो स्नोफॉल कभी भी हो सकता है भाई, देखो अभी 2 मिनट पहले धूप कम थी, कितनी ज़्यादा धूप आ गई। स्नोफॉल की प्रिडिक्शन नहीं है अभी, अगले हफ्ते 10 दिन तक तो नहीं है, लेकिन आज सिर्फ बादल बादल दिखाए थे तो मैं आपको तभी थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ जी। पार्किंग हर जगह लगी हुई है भाई, ये स्नोफॉल का ये कुछ सोलांग वैली का कुछ व्यू है भाई, आप देख सकते हो एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। और वो देखो भाई पैराग्लाइडिंग जिसकी मैं बात कर रहा था ना अभी, ये देखो ये एक दिन भाई मैं भी करूँगा इसको। इसका कुछ रेट वगैरह मुझे जहाँ तक आइडिया है कुछ 3,000 तक हो जाती है, 2500 3,000 3,500। तो जी निकल चुके हैं भाई सोलांग वैली से अटल टनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था 11 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है, जिसको आप इजीली अगर ऐसे ही ट्रैफिक रहा ना तो आप लगभग 25 मिनट मान के चलो, मैक्सिमम 25 मिनट में आप कवर कर लोगे भाई। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई ड्राइविंग करने में, क्योंकि खाली रास्तों में तो मज़ा आता ही है, ट्रैफिक लगता है तो थोड़ा दिमाग ख़राब होता है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत है नहीं है सच। टूरिस्ट भाई देख सकते हो आपके सामने ही है, सोलांग वैली में भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है। और पैराग्लाइडिंग का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है भाई, मैं करूँगा पैराग्लाइडिंग कुछ टाइम के बाद, अगर दिसंबर में पैराग्लाइडिंग चालू रहेगी तो मैं करूँगा भाई ज़रूर, आपको भी एक्सपीरियंस बताऊँगा। और आप इतना प्यार देते हो तो भाई एक बार कमेंट करके बताओ कि किस किस ने पैराग्लाइडिंग की हुई है भाई, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था, और सबसे बड़ी बात आपने कहाँ से पैराग्लाइडिंग की थी। पैराग्लाइडिंग करने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे, बहुत ज़्यादा जगह में पैराग्लाइडिंग होती हैं। और भाई वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ऐसे आधी वीडियो अगर देखेंगे आपको फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी ना, तो आप कंप्लीट वीडियो देखना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। ये देखो ये भाई को काफ़ी ज़्यादा जल्दी है ना, इनको जाने देते हैं, ये मोड़ पे ओवरटेक कर रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं। और मैं आपको ये कह रहा था कि भाई आराम से आप लेफ़्ट साइड में चलें, इन भाई को काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, इनको जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइंग गियर है इनकी गाड़ी में, शायद फ्लाइंग गियर होता है ना, जो उड़ के चले जाएंगे आगे सीधा, एक ही बार में 100 गाड़ियों को ओवरटेक कर देंगे भाई। ये देखो ये एक और टेम्पो ट्रैवलर, देखो बाहर से आएगा और भाई पता नहीं कहाँ घुसेगा ये। इतनी ज़्यादा मुझे तो समझ नहीं आती इतनी ज़्यादा जल्दी लोगों को रहती क्यों है भाई, क्या करोगे 5 मिनट पहले पहुंच के। ये देखो ओवरटेक पे ओवरटेक कैसे, सच में बोलता हूँ यार दुख होता है ऐसे लोगों को देख के, कैसे गजब के लोग हैं भाई, कहाँ जाएंगे 5 मिनट पहले पहुंच के क्या हो जाएगा, मैं समझ नहीं आती। सामने से ट्रक आ रहा है भाई, अब एक बात बताओ इस बंदे ने मोड़ पे ओवरटेक किया था, अगर ट्रक से इसकी हो जाता कुछ फिर ट्रक का तो कुछ जाएगा नहीं और इसका कुछ बचेगा नहीं, वही वाली बात हो जाती है। ओवरटेक भी भाई मैं मानता हूँ वहाँ पे करो ना जहाँ पे आपको आगे कम से कम 100 मीटर का व्यू मिले कि कोई गाड़ी नहीं है, आप इजीली पास कर दोगे। ओवरटेक ही लोग ब्लाइंड रास्तों पे करते हैं, जब आगे कुछ पता नहीं है ओवरटेक कर रहे हो, बस सामने से गाड़ी है, बस हो गया ख़त्म सब कुछ। वैसे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई आजकल तो। ये देखो एक और गया, स्पीड में हमेशा स्पीड से चलें भाई, आप ज़्यादा स्पीड ना करें गाड़ी की, और उतनी स्पीड चलाएं भाई जो आप कंट्रोल कर सकें बस। वो धोंडी ब्रिज का डिस्टेंस है यहाँ से 4 किलोमीटर। अब देखो भाई यहाँ पे मेरे को आगे क्लियर व्यू मिल गया ना, अब मैं इस ट्रक को ओवरटेक कर सकता हूँ इजीली, आप देख रहे हो। और आगे वाली गाड़ी ने भी बहुत सही किया, उसको जब क्लियर व्यू मिला तब उसने ओवरटेक कर दिया। लो जी पहुँच चुके हैं भाई अटल टनल साउथ पोर्टल, 10,040 फीट पे। वापस एक बार आपको यहाँ पे लाइव मैं अपडेट दे रहा हूँ, कोई स्नोफॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, सामने के पहाड़ों पे बर्फ़ ज़रूर पड़ी हुई है आप देख सकते हो, लेकिन ये देखो जी
व्यू चेक करो, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। लेकिन भाई स्नोफॉल के लिए कोई बादल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही कोई बारिश के संकेत हैं, ना ही कुछ है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि यार एकदम घटिया मौसम है, आप ये बोल सकते हो, बेकार मौसम है यार। टूरिस्ट, हज़ारों टूरिस्ट हैं भाई, और रोज़ टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं हो रही वो है स्नोफॉल। ठीक है जी, ये देखो। बाकी अटल टनल से आप किसी भी टाइम क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप दिन को, रात को, सुबह कभी भी आ सकते हैं। टूरिस्ट अपना एंजॉय कर रहे हैं भाई, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं बढ़िया तरीके से, मज़ा आ रहा है। इस बार तो भाई बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं लोग कि स्नोफॉल का वेट करते करते इतना, आज 16 नवंबर हो गया है, अटल टनल पे तो कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं है, कुछ नहीं। अब इसी उम्मीद से लोग और 9-10 किलोमीटर आगे जा रहे हैं देखने के लिए स्नोफॉल हो सकता है नॉर्थ पोर्टल पे हो। लो भाई, नॉर्थ पोर्टल अटल टनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी नॉर्थ पोर्टल आ चुके हैं और यहाँ पे व्यू चेक करो, कितने टूरिस्ट हैं भाई। और यहाँ पे ना भाई साउथ पोर्टल के कंपेरेटिवली यहाँ पे मौसम ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी चिलिंग वेदर है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर है -2। आपको लग रहा होगा धूप है हल्की हल्की, लेकिन ये धूप ऐसी है कि भाई कभी धूप कभी छाँव, दो दो मिनट में हट रही है। दो मिनट पहले इतनी ज़्यादा धूप थी ना, और अब देखो छाँव कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है, मतलब हर सेकंड्स में ना यहाँ पे मौसम बदलता रहता है। अभी -2 डिग्री टेम्परेचर है भाई, और टूरिस्ट देखो कितना है। वो साइड जाती है भाई सिसु की, और ये जाती है अपना कोकसर होते हुए अटल, अपना रोहतांग पास। ये भाई दो रास्ते जाते हैं, और ये अगर आपको वापस साउथ पोर्टल जाना तो यहीं से आप एंटर कर सकते हैं। सामने देखो ये अटल टनल कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखो भाई। लो भाई, लगभग 1.25 घंटा हो गया मुझे आए हुए यहाँ पे, कब से रुका हूँ मैं आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन यार अभी तक बिल्कुल बादल बने हुए हैं। आप देखो, ये देखो लोग क्या फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपना इन्जॉयमेंट, ठीक है। और सामने आप चेक करो कितने घने बादल हैं, और वहाँ पे तो भाई स्नोफॉल हो रहा है यार, वहाँ पे तो स्नोफॉल सामने सामने देखो पता चल रहा है, और यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा यार। यहाँ पे स्नोफॉल हो तो मज़ा आ जाएगा भाई। वहाँ पे देखो कितना क्लियर मौसम है, और यहाँ पे देखो कितने घने बादल हैं। पता नहीं भाई, वेट कर रहे हैं यार कब से, मैगी वगैरह भी खा ली, सब खा लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन बस स्नोफॉल ही नहीं हो रही। देखो भाई पूरा मौसम बना हुआ है। तो जी, कोई स्नोफॉल नहीं हुआ भाई आज के दिन भी, पूरी प्रिडिक्शन थी। मौसम देखो ऊपर अभी तक बना हुआ है, पूरे घने बादल आ चुके हैं, एकदम काले बादल, ठीक है। वहाँ का मौसम हल्कल के धूप निकली हुई है, सामने अटल टनल है। तो भाई आज के दिन भी यार बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं भाई, स्नोफॉल नहीं हुआ आज के दिन। थोड़ा प्रिडिक्शन था कि हो सकता है अटल टनल नॉर्थ पोर्टल की साइड, लेकिन नहीं भाई, ये देखो आपके सामने ही है। बाकी टूरिस्ट देखो नीचे जा रखे हैं भाई इंजॉय करने अपना ना। यहाँ पे भाई जाना थोड़ा ध्यान से ही, क्योंकि पानी है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, और थोड़ा अपना ध्यान से जाएं। और ये रास्ता भाई आपको पता है सिसु की साइड जाता है, मैं 1 किलोमीटर अंदर आ गया था, आपको पता है यहाँ पे आगे जाके थोड़ा पर्ची कटती, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो भाई ये सिसु, जिस्पा, बारालाचा, केलोंग, ले, ये पूरा रास्ता जाता है भाई, शिंकुला वगैरह, दारचा की साइड। लो जी, अटल टनल के साउथ पोर्टल में वापस से पहुंच चुके हैं भाई, और यहाँ पे भी सेम मौसम ख़राब है अच्छा खासा। ये देखो आप कितने बादल आ रखे हैं, और इस साइड तो कुछ ज़्यादा ही है देखो, और ऊपर तो भाई स्नोफॉल हो भी रहा है इनफैक्ट, ये देखो ना सामने स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन किस्मत में आज भी स्नोफॉल नहीं है भाई, पूरा पूरा देखो ऊपर तो हो ही रहा है इनफैक्ट, धूप वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरे घने बादल है, काले बादल एकदम, कुछ नहीं, और बस स्नोफॉल का वेट हो रहा है भाई। ये सब लोग हैं ना यहाँ पे, सिर्फ स्नोफॉल है, स्नोफॉल के लिए ही है इनफैक्ट, पर यार क्या ही कह सकते हैं भाई। तो जी आज भी भाई स्नोफॉल नहीं हुआ, 16 नवंबर को भी आज भी कहीं भी स्नोफॉल नहीं हुआ। अटल टनल सिसु तो गए भाई हम, और रोहतांग पास का भी यही हाल है। देखो यार क्या ही कह सकते हैं भाई स्नोफॉल के लिए, तो हम यही कर सकते हैं कि आपके लिए बढ़िया कॉन्टेंट शूट कर सकते हैं, और आप सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से शुक्रिया। और यही कर सकता हूँ भाई कि हर दूसरे दिन जाके आपके लिए वीडियो शूट करें और आपका सपोर्ट दिखे। और यार यही है कि भाई अब रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। देखो अभी भी ऊपर मौसम बना हुआ है भाई, देख रहे हैं आप, अब भाई अब स्नोफॉल नहीं गिरा तो अब कुछ नहीं कर सकते यार। तो भाई रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और मनाली आ रहे हैं तो भाई आप
एकदम गर्म कपड़े अपने साथ रखें क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रात को माइनस में टेम्परेचर जाने लगा इन दिनों, और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है मनाली में आजकल 10 डिग्री 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो आप उसी हिसाब से आप सामान वगैरह अपना लेके आए सारे कपड़े। और तो जी कॉटेज बुकिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको बढ़िया कॉटेज मिल जाएंगे। और एडवांस में बुकिंग कराएंगे तो आपको पता है बाद में प्राइजेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं रूम रेंट के। ठीक है जी, मिलते हैं किसी और ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।